वेलकम बैक ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से। मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और हम कोरल ड्रॉ एक्स 6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। और इसमें हमारे पास आज के लेक्चर में पेन टूल का यूज़ है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन टूल जो है वो हमारे इस पेज को मूवमेंट के लिए यूज़ होता है और हम इस पेज के आसपास की गई वर्किंग्स को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन और डाउन टू अप, हम इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें बगैर जूम आउट किए मुख्तलिफ चीज़ों को आगे पीछे देख सकते हैं। तो वो पेन टूल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की एच है, ओनली एच। अगर आप अपने कीबोर्ड से एच को प्रेस करें तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चौथे नंबर पर जो टूल्स हैं उनमें आप क्लिक करके रखें तो दो टूल नज़र आएंगे, जूम टूल और पेन टूल। पेन टूल पर क्लिक कर दें तो आपका जो माउस का कर्सर पॉइंटर है ये एक हाथ की शक्ल में बन जाएगा, एक हैंड बन जाएगा। आप क्लिक को दबाए दबाए लेफ्ट ले जाएं, राइट ले जाएं, ऊपर नीचे जहाँ भी इसको मूव करना चाहें करके आसपास के एरियाज को देख सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट के यूज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आप इस टूल से जूम का काम भी कर सकते हैं। अगर हम एक क्लिक करते हैं तो उस क्लिक को दबाए दबाए तो हम अपना जो है ये इसकी मूवमेंट का काम कर रहे हैं, अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जूम का काम करेगा। इसी तरह राइट क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट का काम करेगा। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग करते हैं। तो ये था हमारे पेन टूल का यूज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइंग टूल से रिलेटेड टूल्स, जो उसमें सबसे पहले फ्री हैंड टूल है, इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।